नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज नशा में। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी को संपूर्ण बहुमत मिलने के बाद बोरिस जॉनसन एक बार फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जॉनसन की पीपल्स कैबिनेट में 3 भारतीय मूल के नेताओं को जगह मिली है, जिसमें से प्रीति पटेल गृह मंत्री पद पर बरकरार है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बौखलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान सामने आया है। इमरान खान ने कहा है कि मुसलमान अगर इस कानून के तहत भारत छोड़ने को मजबूर होते हैं तो पाकिस्तान उसे शरण नहीं देगा। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई 59 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, साथ ही सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। निर्भया केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चारों आरोपियों में से एक अक्षय की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बचाव पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी गई उस पर पहले ही सुनवाई हो चुकी है। आपको बता दें कि इसी के साथ आरोपी के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने का रास्ता भी साफ हो गया है। सीलमपुर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है, वहीं 6 आरोपियों को अरेस्ट करने की भी खबर है। दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़की हिंसा पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है, इसीलिए विपक्ष ये हिंसा भड़का रहा है। 2008 जयपुर केस पर फैसला सुना दिया गया है, जिसमें 11 साल के वक्त गुजरने के बाद अब 4 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, वहीं 1 को बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जयपुर हमले में 71 लोगों की जान गई थी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, वहीं टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही है। दिग्गज एक्टर श्रीराम लागू का निधन हो गया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि श्रीराम लागू 92 साल के थे। उनके निधन से पूरे बॉलीवुड जगत में शोक की लहर। और चलिए टॉप 10 में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें न्यूज नशा को। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।